सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। नाग बाबा पूजा समिति के तत्वाधान में चैनपुर प्रखंड के बोकिया कला गांव में धूमधाम से नाग पंचमी का त्यौहार मनाया गया। इस अवसर पर भव्य मेला का भी आयोजन किया गया, जिसमें काफ़ी संख्या में लोगों की भीड़ देखी गई। आस्था इतनी है कि लोग बहुत दूर दूर से आकर भगवान भोले शंकर एवं नाग बाबा के ऊपर जलाभिषेक करते हैं। हजारों श्रद्धालु आज कलश यात्रा में शामिल हुए। इसके बाद लोगों ने मंदिर में जाकर जलाभिषेक किया एवं भगवान का दर्शन भी किया। वहीं मेले कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे विकासशील इंसान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रोफेसर राजकुमार ने कहा कि धर्म लोगों को जोड़ने का काम करता है। कोरोना काल के बाद मेला का आयोजन हुआ है, लोगों में काफ़ी उत्साह है और हर वर्ष की भांति भीड़ देखी जा रही है। यह आस्था को उजागर करता है। साथ ही राजनीतिक दृष्टिकोण से उन्होंने संकेत दिया कि अब नदी में नहीं विधानसभा में नाव चलेगी, दिशाओं के माध्यम से लोगों की नैया पार होगी। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में पहुंचे महर्षि वेदव्यास परिसर विद्वत प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर कुलदेव चौधरी ने कहा कि नाग पंचमी या कोई भी त्यौहार लोग आस्था से मनाते हैं और मनाना भी चाहिए, क्योंकि आस्था के साथ साथ पढ़ाई लिखाई भी बहुत जरूरी है, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा साधन है जिसके बदौलत डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, नेता, अभिनेता सब कुछ बन सकते हैं। शिक्षा के बल पर आप किसी से बात करके न्याय की गुहार भी लगा सकते हैं और अपने अधिकार की लड़ाई लड़ सकते हैं। इस स्थल को पर्यटक स्थल स्थापित होने से लोगों को रोजगार भी मिलेगा। इस मेले में महत्वपूर्ण भागीदारी निभाने वाले ब्रह्मदेव चौधरी के बारे में चर्चा करते हुए कहा कि सामाजिक एवं राजनीतिक आंदोलन में भाग लेने वाले लोग जेल जाते आते रहते हैं, इसमें बहुत निराश होने की जरूरत नहीं है। इस लड़ाई को एकजुटता होकर मजबूती से लड़ना होगा, इसलिए मनोबल कम करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आने वाले समय में इससे भी ज़्यादा भव्य तरीके से मेले का आयोजन होनी चाहिए। उधर समाज सेवी ललन चौधरी और उनके टीम द्वारा शरबत पानी की व्यवस्था भी की गई थी। मौके पर स्वामी वशिष्ठ नारायण चार्य, डंडा जिला पार्षद अजय कुमार चौधरी, पूर्व जिला परिषद प्रत्याशी प्रेमलाल चौधरी, विष्णुदेव चौधरी, मुखिया प्रतिनिधि दामोदर चौधरी, ललन चौधरी, गढ़वा विधायक प्रतिनिधि संजय चौधरी, ब्रह्मदेव चौधरी, सिकंदर चौधरी, भरदुल चौधरी, उपेंद्र नारायण चौधरी, बचनदेव चौधरी, नाग बाबा पूजा समिति अध्यक्ष लक्ष्मण चौधरी, सचिव मुनि चौधरी, कोषाध्यक्ष विश्वनाथ चौधरी, जितेंद्र चौधरी, उपेंद्र चौधरी, संतोष चौधरी, भरदुल चौधरी सहित अन्य लोग उपस्थित थे। चैनपुर से संदीप चौरसिया की रिपोर्ट। हर साल के भांति नाग पंचमी पूजा महोत्सव मनाया जा रहा है। इसका स्थापना 1999 में हुआ था और यह जो है से 22वां पूजा महोत्सव है। यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग सब जुड़ते हैं और यहाँ जो भी सांप काटे हुए लोग आते हैं और यहाँ के आने के बाद उन पर जल डाला जाता है। जल डालने से वे जो सिंह से ठीक होकर जाते हैं। इनका महिमा काफ़ी जो है प्रचलित है और काफ़ी लोग इसे जो है फायदा ले चुके हैं। लोगों को सुख सुविधा मिलता है यहाँ पर और इन्हीं बातों के साथ मैं जो है जितने भी भक्त लोग आते हैं यहाँ पर उनको पूरे मृद आती होकर के जाते हैं, ठीक होकर के जाते हैं। यहाँ से काफ़ी दिनों से जो नाग पंचमी मनाया जा रहा है 1999 से, और एक मैं रात की बात बोलता हूँ कि जो रात के एक सांप काटे हुए लड़का आया था वो पुनः बेहोश होकर के आया था और वह 15 मिनट के बाद पुनः वो ठीक होकर के गया। इसका हम खुद आपको एक वीडियो दूंगा जो आप वीडियो के माध्यम से सभी को अवगत करा सकते हैं। मेले के आयोजन ग्राम बुकिया के कमेटी के लोग के द्वारा होती है, जिसमें खास प्रतिनिधि लोग भी आते हैं, मंत्री, विधायक, जितने भी और युवा कार्यकर्ता हैं मिलकर को मेला का उत्सव बढ़ाते हैं और काफ़ी संख्या में भीड़ आती है और अपने जो मन्नत मांग करके मन्नत मांगने आते हैं वो पूरा करके जाते हैं।